हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लाइनिंग लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, नेजल पैसेजेस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए स्क्वामस कॉलमनरी एपिथीलियम, ऑप्शन बी सीनेटेड कॉलमनरी एपिथीलियम, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनरी एपिथीलियम एंड ऑप्शन डी क्यूबिकल एपिथीलियम। तो हम आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टू नो दिस यू नीड टू नो द की कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नेजल पैसेज, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनमें क्या खासियत है? दे नीड टू पास समथिंग। ओके, तो ये जो पास करने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, इट माइट बी सीलिया। ओके, इट माइट बी सीलिया। तो कौन सी टिश्यू में ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ये हम जानेंगे, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब में कौन सी चीजें पास होता है? एग्स। ओके, फैलोपियन ट्यूब में एग्स पास होते हैं, देन नेजल पैसेजेस में पार्टिकल्स, हवा पास होता है, ब्रोंकियोल्स में कुछ ना कुछ एयर या तो फिर एग्स या स्पर्म, ये सब जगह पे अगर पास करने वाली कुछ चीजें चाहिए तो आपको सीलिया लगेगा। एंड वट इज सीलिया? सीलिया इज द आउटर प्रोजेक्शन ऑफ अ सेल विच इज वेरी थिन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, तो सीलिया क्या करते हैं? सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट सीलिया। कुछ पार्टिकल्स को मूव ऑन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो कि ये सेल्स है जिसमें सीलिया है, तो ये मूव ऑन करने का काम करेगा। तो ये हमारा की कंसेप्ट था। अब हम देखेंगे वन बाय वन कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए, स्क्वामस कॉलमनर एपिथीलियम, इट इज नॉट अ वैलिड टर्म, क्योंकि स्क्वामस एपिथीलियम हो सकता है, स्क्वामस एपिथीलियम ओके, दैट कैन बी फाउंड इन द स्कीन, ईसोफेगस, वजाइना, माउथ, इटिस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटिफाई, अच्छा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ये ऑप्शन ए था। बी हम देखेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। यस, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम हो सकता है, क्योंकि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम में क्या है? सीलिया है। हमने डिस्कस किया कि सीलिया पार्टिकल मूवमेंट्स में मदद करता है, और ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम है, ये कॉलम जैसा मतलब पिलर जैसा होता है, जिसमें लेंथ ज्यादा होता है और विड्थ जो होता है वो छोटा होता है, इसीलिए इसको कॉलमनर बोला करता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी हम देखेंगे कि सी और डी में क्या है। सी में क्या है? सी में है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। अगेन, इट इज नॉट अ वैलिड टर्म, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कैन बी सीन। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के हम बात करें तो ये स्किन में हो सकता है, देन इसोफेगस में हो सकता है। ठीक है, बट ये आप ये वैलिड टर्म ही नहीं है, और इसमें तो ये जो सिलिया ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन डी को आइए हम देखते हैं, क्यूबिकल एपिथीलियम। क्यूबिकल एपिथीलियम, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम ओनली। ओके, क्यूबिकल जनरली हम तो नहीं बोलते, तो क्यूबॉइडल बॉइडल एपिथीलियम जो होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ओके, सारे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, सिक्रीटरी रोल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, विच इज ऑप्शन बी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।